छंदबद्ध हुआ भारत का संविधान। जी हाँ, यह सत्य है, भारत के संविधान को छंद के रूप में लिखा गया है और प्रकाशित होते ही यह ग्रंथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। भारत के संविधान को देश भर के 142 कवियों ने मिलकर छंदबद्ध करके कविता का स्वरूप दिया है। इस ग्रंथ में मध्य प्रदेश के 10 तथा जबलपुर के 7 कवियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस ग्रंथ का विमोचन दिनांक 15 जून 2024 को पद्मश्री डॉक्टर श्याम सिंह शिजी के मुख्य आतिथ्य में डॉक्टर शकुंतला कालरा, डॉक्टर रमा सिंह, श्री पंकज शर्मा एडिटर आज तक, डॉक्टर संतोष खन्ना पूर्व न्यायाधीश, डॉक्टर चेतन आनंद की उपस्थिति में हिंदी भवन मंडी हाउस नई दिल्ली में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भारतीय प्रमुख श्री आलोक कुमार विशेष रूप से उपस्थित रहे। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान पाने वाली यह कृति 142 छंद साधकों के संयुक्त प्रयास से संभव हो सका है। संविधान के मूल भावों को यथावत रखते हुए दोहा, रोला एवं 24 प्रकार के छंदों का समावेश किया गया है। इस ग्रंथ की रचना में मध्य प्रदेश के 10 और जबलपुर से 7 रचनाकारों का योगदान उल्लेखनीय है। जबलपुर से इस ग्रंथ में छंद साधकों संजीव वर्मा, सलिल अनुराधा, सुनील पारे, अवि सुनीता, परसाई चारू, आशा निर्मल जैन जी, भारती पाराशर जी, अनुराधा गर्ग जी, कृष्णा राजपूत जी शामिल हैं। रायपुर निवासी श्री रामनाथ साहू ननकी, श्री ओम प्रकाश मृदुल, डॉ मधु शंकर, माधुरी डड़सेना द्वारा बिलासा छंद महालय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से छंदबद्ध काव्य सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का वर्ष 2019 से नियमित दिया जा रहा है। श्री रामनाथ साहू ननकी ने बताया कि 2019 से संचालित व्हाट्सएप ग्रुप छंद महालय में हिंदी पट्टी के अलावा दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा सहित लगभग समूचे देश के हर उम्र एवं विभिन्न व्यवसाय में संलग्न 2500 साहित्यकार शामिल हैं।